वेलकम टू डेलिश खाना। आज हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दो कप मैदा, मैदे को छलनी में छान लें। नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, तेल, अच्छी तरह से मिक्स करें। वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक देखें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लें। इस तरह 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। मिनट बाद आटे को दोबारा गूंध लें। 3 से 4 आलूओं को कद्दूकस कर लें। इस तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा, अच्छी तरह से मिक्स करें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। लहसुन का पाउडर, मैदा डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। हथेली पर हल्का सा तेल लगाकर छोटे छोटे रोल बना लें। लाइक दिस। एक कटोरी में मैदा डालें। थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें। गोल पेड़ा बना लें और रोटी की तरह बेल लें। चारों तरफ से काट लें।
रोल को रखकर उसी की बराबर की पट्टी काट लें। जैसा वीडियो में दिखाया गया है, इस तरह से बनाएं। इस तरह से आटे का घोल लगाकर मोड़ लें। डीप फ्राई कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।